मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हूँ ये मेरे लिए दुनिया की पुरसुकून तरीन जगहों में से एक है। और ये मेरी कब्र नहीं है, ये एक एयर स्ट्रिप है जिसे ओन करती है हमारी कंपनी, और यहाँ सिर्फ चार्टर जहाज ही उतरते हैं हमारी कंपनी के। और ये शाराय-आम नहीं है, इधर हर कोई नहीं आ सकता। इस जगह कितना सुकून है कि आहा। तो अब आजकल सुकून की बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रो के सुकून होता क्या है, कैसे आता है, ये बताया जाए। तो सुकून को बताने से पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी थोड़ी सी स्ट्रेस और हैप्पीनेस। तो उसके लिए आप एक काम करें कि 2 सेकंड के लिए ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस कभी हुई हो, अभी हो, या अपने दोस्त की किसी की भी एक स्ट्रेस सोच लें। सोच ली। अब स्ट्रेस सिर्फ एक ही वजह से होती है। अब डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, इस पे आप अपनी उस स्ट्रेस को तोलिएगा कि आ रही है कि नहीं। स्ट्रेस सिर्फ एक वजह से होती है, और वो इस वजह ये होती है कि आपका कोई भी एम, ऑब्जेक्टिव कह लें, रिजल्ट, डिज़ायर, एम, जो भी आप उसको नाम दे लें, वो या तो माजी में पूरा नहीं हुआ, वो अभी हाल में पूरा नहीं हो रहा, या लग रहा है आपको कि फ्यूचर में वो पूरा नहीं होगा। स्ट्रेस सिर्फ इस वजह से होती है। और खुशी क्या है कि अगर आपको यही इसका रिवर्स है कि आपका जो भी एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, रिजल्ट, डिज़ायर, ड्रीम, जो भी है, जब आपको वो लगे कि वो पूरा हुआ था, उससे खुशी होती है। पूरा हुआ है इससे खुशी होती है, या पूरा हो जाएगा ये आपको उम्मीद होगी तो आप खुश हो जाएंगे। अब सुकून कैसे हासिल होता है? जब अगर आपको कोई कहे कि यार कमरे में अंधेरा कर दो, तो आप अंधेरा कैसे करेंगे? अंधेरे का कोई बटन होता है? कोई अंधेरा ला के डालेंगे? क्या करेंगे? आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप रोशनी कम कर दें, आप लाइट बुझा दें, पर्दे डाल दें। अंधेरा कर कैसे किया जाता है? एब्सेंस ऑफ रोशनी को अंधेरा कहते हैं। इसी तरह एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस और हैप्पीनेस अगर हो, उसको सुकून कहते हैं। अब ये स्ट्रेस और हैप्पीनेस आती कैसे हैं, जब, या हम उन्हें रोक कैसे सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने ड्रीम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव, डिज़ायर, एम, जो कुछ भी होगा, वो 5 सेंसेस के थ्रू ही आ सकता है। यानी कि आप किसी को देखेंगे, कुछ सुनेंगे, आप शॉपिंग मॉल में जा रहे थे, आपने कोई ड्रेस देखा, आपकी वो ख्वाहिश बन गया। आपने किसी को सुना, आपकी वो ख्वाहिश बन गई। आपने किसी को छुआ, आपकी वो ख्वाहिश बन जाती है। 5 सेंसेस से ही आपका कोई ऑब्जेक्टिव पैदा होता है। अब आपको क्या करना है कि कोई ऑब्जेक्टिव पैदा ना हो, तो इसके लिए जो नबियों ने भी, वलियों ने भी क्या किया कि अपने आप को ऐसी जगह ले गए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पैदा ना हो। यानी कि कुछ अरसे के लिए वो अपने आप को, या वली बहुत अरसे के लिए अपने आप को ऐसी, कि आपने सुना होगा कि भाई जंगलों में चले गए और बस अल्लाह अल्लाह करने लगे, क्योंकि जिक्र अल्लाह से सुकून मिलता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ना हो इससे सुकून मिलता है। तो वो ऐसे जंगल में चले जाते हैं कि जहाँ ना उन्हें सूंघने को अच्छे खाने मिलते हैं, ना उन्हें देखने को कोई औरत या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो टारगेट उसको बना ले। ऐसा कोई टारगेट वहां नहीं बनता। तो जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो आपको कोई गम भी नहीं आएगा, खुशी भी नहीं आएगी, और इसी स्टेट को सुकून कहते हैं। तो अब हमें अपनी जिंदगियों में क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़ा केयरफुली, अगर हम किसी चीज़ को अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ये बड़ा केयरफुली बनाना होता है। अब ये सारा चक्कर जो है ना, ये थोड़ा सा होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसको सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने अपनी एक ट्रेनिंग में किया हुआ है। तो इंशाल्लाह कभी आप लोगों से मुलाकात हुई, वो ट्रेनिंग हुई, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। कोई इंटरेस्टेड हो उसको लेने में, तो वो कमेंट्स में मुझे पर्सनल मैसेज में लिख सकता है कि जब वो ट्रेनिंग होगी कभी, तो मैं आपको बुला लूँगा। वो 2 पेजेस में पूरी ज़िंदगियों के खुलासे इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे। और वो सेशन लेने के बाद जो लोगों का फीडबैक है, एटलीस्ट 30-40% आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है। तो अगर ये भी रिलीव हो जाए, कोई मेरी 5% स्ट्रेस रिलीव कर दे, तो मैं उसको 10 दफ़ा सलाम करूँगा। सो काइंडली इस पे गौर कीजिएगा, और
मैं आपको एक सुकूनी लाइफ की विश करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।